Nobody's lower than you and nobody's higher than you. इस दुनिया में कोई भी आपसे ऊपर नहीं है, कोई भी आपसे नीचे नहीं है. ये दुनिया जनरल, थर्ड एसी, सेकेंड एसी, स्लीपर, फर्स्ट एसी में आपको तोड़ती है. ये दुनिया आपको दिखाती है, ये संसार आपको दिखाता है कि भैया तुम छोटे हो, तुम एक नंबर के तुच्छ प्राणी हो, तुमने हमें हमारी आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया, तुमने अपनी आकांक्षाओं को खुद पूरा नहीं किया, देखो तुम कुछ नहीं कर पाए, या तुम कुछ कर भी लिए तो भी ऊपर वाला आपसे ऊपर जो है वो आपसे कहेगा कि देखो आप इतना कुछ नहीं कर पाए, ये तो आप इतना ही किया आपने, आप इतना नहीं कर पाए. एक्चुअली में ये टॉपिक जो उठाया है मैंने वो इसी वजह से उठाया है क्योंकि हम सबको एक गलत फहमी बचपन से डाल दी जाती है. और वो बचपन ये है, बचपन से डाल दी जाती है कि अब तुमको कुछ करना है, अब तुमको कुछ बनना है, नहीं तो तुम बने नहीं हो, नहीं तो तुम छोटे तुच्छ व्यक्ति हो, तुच्छ प्राणी हो. और ये सबसे बड़ी सोच है जो डिप्रेशन में लेके जाती है लोगों को. ये डिप्रेशन का इतना बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कोई, आप अगर देखें ना, कोई भी डिप्रेस्ड इंसान है वो अपने आप को छोटा ही मान रहा है. आप देखो वो कहीं से भी डिप्रेस्ड है, चाहे वो पैसे से डिप्रेस्ड है या तो अपने आप को मान रहा है वो कम पैसे वाला, तो यानी छोटा. अगर उसके माँ बाप नहीं है तो उसमें एक डिप्रेशन आ रहा है, तो उसको छोटा मान रहा है अपने आप को. हर तरफ से ये संसार आपको, जैसे जैसे ये संसार बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ये संसार एक्सपैंड हो रहा है, वैसे वैसे ये संसार जो है और अकेला होता जा रहा है. और इस अकेलेपन में कुछ लोग ये सोचते हैं कि घड़ी खरीदने से, कंप्यूटर खरीदने से, बाइक खरीदने से कुछ नहीं होगा, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने दोस्तों के साथ जुड़ो, रिलेशनशिप्स को हेल्दी रखो तो चीज़ें सही होंगी. कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ये भी एक नंबर के घोंचू लोग हैं. क्योंकि जब मैंने ये सब करके देखा तो मुझे वहाँ भी कहीं खुशी नहीं मिली. और आप अगर ध्यान से देखें तो ये संसार आपको सिर्फ और सिर्फ छोटा करने में ही लगा हुआ है, नीचा दिखाने में ही लगा हुआ है, आपको तुच्छ प्राणी बनाने में ही लगा हुआ है. और आपको ये एहसास करना है कि आप एक्चुअली में चाहे कुछ करो चाहे ना करो, चाहे बन जाओ चाहे ना बनो, उससे संसार को कोई वास्तविकता में फर्क नहीं पड़ता. आपने कुछ कर भी लिया तो भी ये संसारी लोग कुछ क्षण के लिए बात करते हैं, उससे उसको क्या फर्क पड़ता है. आप बताइए, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्होंने कुछ कर लिया तो आसपास बातें होती हैं, लेकिन उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने जिंदगी में व्यस्त रहते हैं. आप कुछ गलत करोगे तो 4 दिन बात होती, आप कुछ अच्छा करोगे तो 4 दिन बात होती. तो ये संसार आपको सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ ये जताता रहता है, सिर्फ इस चीज का एहसास दिलाता रहता है कि आप एक नंबर के छोटे आदमी हो, आपको बड़ा बनना है. ना आप किसी से छोटे हो, ना आप किसी से बड़े हो. आपकी जो वास्तविकता में स्थिति है वो मध्यम लेवल पे है. ना आप इलॉन मस्क से बड़े हो, ना आप इलॉन मस्क से छोटे हो. जिस चीज से कंपेयर किया जा रहा है वो चीज अर्थहीन है, वो चीज मीनिंगलेस है. किसी ने रॉकेट बना दिया, कोई करोड़पति हो गया, उसका कोई वास्तविकता से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, उसका कोई संबंध नहीं है वास्तविकता से, वो अर्थहीन है एक्चुअली देखा जाए तो. जब बचपन में मैं पैदा हुआ था, मतलब ऑब्वियसली बचपन में पैदा होते हैं, बड़े में तो होते नहीं. तो हुआ क्या कि मेरे अंदर ये गलत फहमी थी कि मुझे अगर कुछ करना है तो मतलब मुझे बड़ा बनना है, मुझे बड़ा करना है कुछ. और इस गलत फहमी में एक सपना था, एक आस थी, एक एक्सपेक्टेशन थी, एक इच्छा थी, एक एक
होप थी, एक आशा थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही भयानक दुख की शुरुआत भी चालू हो जाती है। दोनों एक साथ चालू होते हैं। यहां भी डुअलिटी काम करती है। आप अगर ध्यान से वास्तविकता को देखें, ध्यान से रियलिटी को ऑब्जर्व करें, तो आपको समझ में आएगा कि डुअलिटी आपको दिखेगी। आपको डुअलिटी दिखे तो एक होता है खुद देखना, एक होता है दिखाने वाला होना चाहिए। देखिए, दिखाने वाला भी बहुत जरूरी है। जब मैं स्पिरिचुअलिटी से काफी दूर चला जाता हूं और फिर मैं दुनिया को देखता हूं, क्योंकि मैं जैसे ही, समझ लीजिए कि मैं पॉडकास्ट नहीं कर रहा हूं तो आप समझ लीजिए कि मैं संसार में ज्यादा व्यस्त हूं, और जब मैं संसार में व्यस्त हूं तो मैं सुबह से लेकर शाम तक किसके साथ रहता हूं? भूखे भेड़ियों के साथ। अब ये जो भूखे भेड़िए, लालची लोग, ये लालच कहां से आ रहा है? ये लालच और की तलाश है, ये और चाहिए, और पावर, और पैसा, और समृद्धि, और ये, और ये जो और की तलाश है, ये जो लोभ है, ये माया है, ये जो लालच है, ये आता ही इसी वजह से है, क्योंकि उनको गलतफहमी हो रखी है कि वो मिल जाएगा तो वहां कुछ पड़ा हुआ है, वो मिल जाएगा वहां कुछ पड़ा हुआ है। इस दुनिया में कुछ भी मिलने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो स्थिति है, आपका जो स्टेटस है, जो कहते हैं ना मैं आईफोन ले लूंगा मेरे स्टेटस आ जाए, एक्चुअली अभी मैं एक्सपर्ट सीक्रेट्स पढ़ रहा था, कई बार पढ़ चुका हूं, तो उसमें स्टेटस को लेके, यानी स्टेटस जो है बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, आपका स्टेटस, स्टेटस तो लोग समझ ही रहे होंगे, फाइनेंशियल स्टेटस या रेपुटेशन या पद, व्हाटएवर जो स्टेटस है, उसको लेके बहुत बड़ा एक खुलासा किया रसल ब्रनसन ने। उन्होंने कहा कि स्टेटस जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है कि हर कोई आदमी कुछ भी खरीदता है तो वो स्टेटस के लिए खरीदता है। आप जीन्स खरीदते हो ब्रांडेड, वो स्टेटस के लिए खरीदते हो। आप इस लड़की से शादी नहीं करते, उस लड़की से शादी करते हो, आप स्टेटस करते हो। आप इस आदमी से शादी नहीं करते हो, आप उस आदमी से शादी करते हो, आप स्टेटस के लिए शादी करते हो। आप अगर ध्यान से देखें, हम सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी कर रहे हैं, हम स्टेटस के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि मार्केटिंग सांसारिक एक्टिविटी को मन में रखते हुए मार्केटिंग काम करती है, मार्केटिंग ये कहती है कि स्पिरिचुअलिटी को मत छेड़ो, स्पिरिचुअलिटी को इसमें मत लाओ, क्योंकि पागल हो जाओगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के अपने अलग नियम कानून है, उन नियम कानून के हिसाब से मार्केटिंग नहीं चलती है। मार्केटिंग ये कहती है कि जो जैसा आदमी सोच रहा है वैसा ही उस आदमी को दिखाओ। अगर आपने उससे कुछ विपरीत दिखा दिया तो आप वास्तविकता में तो महान हो, लेकिन काल्पनिक जगत में आप एक नंबर के गाली आ रही है, चूतिए हो। सच बता रहा हूं। मार्केटिंग का यही कहना है कि अगर आपने सत्य बोल दिया तो वास्तविकता में आप बहुत बड़े महान इंसान हो, लेकिन काल्पनिक जो जगत है, जो काल्पनिक सत्य है, यानी सांसारिक सत्य जो कि झूठ है एक्चुअली लेकिन सत्य लगता है, यानी संसार है जो, उसके अंदर अगर आपने इसको बोला तब तो आप बहुत महान हो, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ, मतलब एनीवे, तो व्हाटएवर, समझ गए आप। तो फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल वाले क्या बैक बेंचर्स की फोटो दिखाते हैं? क्या ये यूपीएससी के जो स्कूल्स हैं, ये जो एकेडमीज हैं यूपीएससी की, क्या ये उनको दिखाती है जिनका नहीं हुआ, या ये उनको दिखाती है जिनका हो गया? उनको दिखाती है जिनका हो गया। ठीक है, सुन लिया आपकी आवाज़ मैंने, आपको यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने आपकी आवाज़ मेरे को आ रही है। स्कूल में, कॉलेजेस में, आईआईटी में, कहीं पर भी आप देखें, गवर्नमेंट कोई कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा दिखाया जाता है, जिससे वो जो पोजीशनिंग है, वो जो कि एक परसीव्ड वैल्यू है, वो गिरे ना। वो परसीव्ड वैल्यू जो है, जो एक्चुअली में परसीव्ड वैल्यू है, वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। समझ नहीं रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? जो एप्पल का एक्चुअल वास्तविकता है वो कुछ नहीं है, लेकिन उसकी परसीव्ड वैल्यू जो है, यानी जो माइंड में उसकी इमेज बना के रखे हुए हो आप, उस इमेज को कहते हैं परसीव्ड वैल्यू। वो जो परसीव्ड वैल्यू है, वो उसके लिए आप अंदर से लोगों ने पारसमणि मान रखा है उसको। तो कई लोग कहते हैं कि हमें अपने स्कूल में
हमें अपने कॉलेजेस में, हमें अपने एकेडमियों में बैक बेंचर्स जो कि फेलियर हैं, जो कि जिनकी क्वांटिटी 95% होती है, उनकी तस्वीरें दिखानी चाहिए। अब ऐसे में क्या होगा अगर हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे तो क्या होगा? सही गेस किया आपने, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाला। तो मार्केटिंग ये कहती है कि चुपचाप बिना स्पिरिचुअलिटी को बीच में लाए हुए, चुपचाप। क्योंकि जब अब मैं बार बार स्पिरिचुअलिटी क्यों लाता हूं मार्केटिंग में स्पिरिचुअलिटी, मैं आप देखेंगे मैं बार बार मार्केटिंग में स्पिरिचुअलिटी को लेके आता हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं एक दूसरे यूनिवर्स में रहता हूं और मैं इस यूनिवर्स में भी रहता हूं। अभी आप लोग के लिए यानी जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए सिर्फ यही यूनिवर्स है, पर मैं एक दूसरे यूनिवर्स से होके आ चुका हूं। अब चक्कर क्या होता है कि हर चीज को आप कंपेयर करोगे, ऑटोमेटिकली तुलना करोगे, अंतर करोगे। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स वन जो है जहां आप पैदा हुए हो वो आपको जब तक दिखता रहेगा तब तक वही सत्य है। जैसे यूनिवर्स टू दिखेगा उसके नियम कानून अपने अलग हैं, वहां पे जो सत्य है वो आप कहोगे कि भाई ये क्या हो रहा है ना। तो हर जगह आप स्पिरिचुअलिटी को लाके पेलने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपने हर जगह स्पिरिचुअलिटी पेली तो आपको ये दुनिया पेल देगी। और ये दुनिया इतनी कमीनी है, इतनी नीच है, इतनी जालिम है, इतनी निर्दयी है जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी तो फिर भी अच्छी है, अगले 25 साल में 20 साल में इस दुनिया का क्या होने वाला है भगवान जाने, भगवान जाने इस दुनिया का क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी एक बहुत बड़ी बात बोली थी, आप लोग उसको हल्के में लेते हो, आपको पता नहीं मैं क्या क्या बातें कर जाता हूं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी करी है मैंने पॉडकास्ट में बात करते करते, खुद ही आया था माइंड में मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे इसको आप माने चाहे ना माने, इस दुनिया में अंधकार था और प्रकाश हुआ, प्रकाश के बाद वापस अंधकार हुआ। उस प्रकाश में सौरमंडल, सारे ग्रह, सारे सितारे, सारे तारे, सारे जितने भी सूर्य हैं वो सब प्रकाश में है। उससे पहले अंधकार था, एक्चुअली में अंधकार में प्रकाश है, प्रकाश में अंधकार नहीं है। नहीं तो स्पेस ब्लैक नहीं दिखता आपको, स्पेस व्हाइट दिखता और हम ब्लैक होते। प्रकाश में अंधकार, प्रकाश में अंधकार नहीं है, अंधकार में प्रकाश है। यह दुनिया अंधकार की जीत होती है। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? चलो एक और एंगल से बोलता हूं। तुम्हारे संदीप महेश्वरी, ये जितने भी लोग हैं जो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, आज इस कड़वे सच को सुन लो। और जिस आदमी ने इसको चैलेंज कर दिया उस आदमी से मैं कहूंगा कि चुपचाप पहले क्वेश्चन करो, ऑब्जर्व करो और मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं किसी के विरोध में बात नहीं करता हूं, इस दुनिया में अच्छाई हो ही नहीं सकती। आप कितना भी अच्छाई करते रहो, जाना वो डार्कनेस में ही है लोगों को। नहीं समझ में आया? संदीप महेश्वरी, सदगुरु, दुनिया के जितने भी लोग हैं, मदर टेरेसा, कृष्णमूर्ति, रामकृष्ण परमहंस, भगवान श्री कृष्ण, जितने भी लोग हैं, ये इस इनएविटेबल को नहीं रोक सकते। इसीलिए इसको कलयुग बोला गया है। और मैं इस स्टैंड पॉइंट से नहीं बोल रहा हूं कि मुझे पता है कि सतयुग था फिर कलयुग आया। एक्चुअली मैं देख के बोल रहा हूं कि मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि मनुष्य योनि जो है वो मैमल से आई है। मैमल जो है, अभी एक कुछ एक सब्सक्राइबर है नीचे कमेंट आया था उनका, बड़ा अच्छे शुभम नाम है उनका, मैं नाम जरूर लूंगा। उन्होंने कहा कि आपने बोला देवता योनि और राक्षस योनि, रेप्टाइल्स जितने भी हैं वो राक्षस योनि में। राक्षस योनि का मतलब क्या है कि उसको जो आपको, जिनको आपको पेट करने का मन नहीं करता, खिलाने का मन नहीं करता उनको, जैसे क्रोकोडाइल, सांप, कनखजूरे, मकड़ी, ये सब कॉकरोच, ये सब जो हैं अंडे से आए हैं। और जितने भी अंडे से आते हैं मैक्सिमम जो हैं, ज़्यादातर हर अंडे वाला नहीं, क्योंकि अंडे से तोता भी शायद अंडे से ही आता है मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है, मतलब हो सकता है ना आता हो, मतलब आई थिंक आता है, नहीं तोता अंडे से आता है। तो कुछ बर्ड्स हैं जो
क्यूट हैं, ऐसा नहीं है वो मतलब आते हैं, बट आप इसको कभी भी 100% मत रखिए, 90% करके चलिए, क्योंकि 100% नहीं होता है। जैसे मनुष्यों में भी अंदर एक शैतान भी होता है, देवता भी होता है, पर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पता है कुछ एक और बात कर रहा हूं। जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनको हमें खिलाने का मन नहीं करता, और जितने भी मैमल्स हैं, चाहे वो शेर का बच्चा हो, लायन का बच्चा हो, हमें उसे खिलाने का मन करता। ऑल द शेर लायन तुरंत आपको खा लेगा और आपसे नफरत करेगा, और नफरत तो नहीं करेगा बट उसका नेचर वैसा है, बट अगर आप उसके साथ ग्रो अप होते हो तो वो आपसे प्यार भी करता है, पेट भी करवाता है, आपको वीडियोस आपने देखी होगी। तो जितने भी मैमल्स हैं वो पैदा हुए हैं राक्षस योनि में, और जितने भी रेप्टाइल्स हैं सॉरी देवता योनि में, और जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो पैदा हुए हैं राक्षस योनि में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि नेचर ने मैमल्स को पैदा इसीलिए किया क्योंकि नेचर को अब जब अर्थ पृथ्वी बन गई, जब ये धरती बनी तो डायनासोर आए, डायनासोर के बाद जब वो उल्का पिंड नीचे गिरा उसके बाद क्या हुआ, मैमल्स बनना स्टार्ट हुए, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस आउट कर रही है। ये इतना क्यों नहीं समझ में आता किसी को? आप अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से आपको समझ में आएगा, डुअलिटी लॉ यहां पे काम कर रहा है। वो डुअलिटी लॉ को वन ऑन वन करना चाहती है, वन वर्सेस वन, ना कि वन वर्सेस वन एंड हाफ, वो वन वर्सेस वन करना चाहती है। आप देखो हर जगह यही काम करता है, इंसान के अंदर बुराई भी है अच्छाई भी है, ठीक है, लेकिन अच्छाई अभी ज्यादा है, ये इस पृथ्वी को पसंद नहीं है। समझने की कोशिश करो, इस दुनिया में जितने भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए वो सब वर्थलेस शिट है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना चाहिए, उनको करना चाहिए, क्योंकि भाई मैं भी तो उसी से निकला हूं, लेकिन मैं आपसे बस ये कह रहा हूं कि अगर हम ओवरऑल अगर 1 मिलियन ईयर्स में देखें या 5,000 साल में देखें, 10,000 साल में देखें, अगर हम सिर्फ 5,000 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा, जिस हिसाब से चीज़ें जा रही हैं मैं क्या बताऊँ आपको। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और मैं इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, तो अभी रिसेंटली हुआ हूँ बिकॉज ऑफ माई वर्क। मैं देखता हूँ किस तरीके से लोग निर्दयी हो रहे हैं और ट्रोलिंग हो रही है बच्चों, एक बच्चा है वो लड़की बन के अभी दिवाली में नाच गाना कर रहा था, उसको लोगों ने ट्रोलिंग किया और उसने फांसी लगा ली। तो ट्रोलिंग बहुत गंदी होती है, ट्रोलिंग हर कोई क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता, क्योंकि ट्रोलिंग लोग कहते हैं कि क्रिटिसिज्म मतलब होता है आपने अच्छा नहीं किया और ये अच्छा नहीं होता है। माँ बहन की गाली देने क्रिटिसिज्म में नहीं आता, ये समझना ज़रूरी है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो मैं तो 5,000 साल बोल रहा हूँ, फिर भी लेट्स इमेजिन कि 1,000 साल है ना। आप समझने की कोशिश करो, ये पृथ्वी गंदे लोगों को ला रही है हर एक पैदा होने के साथ साथ, क्योंकि उसको वो करना है बैलेंस आउट। आप समझने की कोशिश करना इस चीज को, अगर वो, क्योंकि अगर वो अभी अच्छे लोग जो हैं वो 95% से 90% हैं, इसको कम करना है, श्रिंक करना है, क्योंकि अगर ये श्रिंक नहीं हो तो विनाश नहीं होगा, और विपरीत बुद्धि चाहिए विनाश के लिए। बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि से विपरीत, अपोजिट क्यों बोला गया है? आप बताइए, सोचिए, अपोजिट वहां पे विपरीत क्यों बोल दिया? विनाश काले विपरीत बुद्धि, विपरीत क्यों बोला गया वहां पे? वहां पे ये बोल सकते थे विनाश काले राक्षस बुद्धि, या विनाश काले कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन एक ये भी मतलब था। विपरीत बुद्धि अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो अच्छा आदमी है और बुरा आदमी, इसका बैलेंस आउट सही से हो नहीं पाया, और ये बैलेंस आउट करने के लिए यूनिवर्स को थोड़ा टाइम चाहिए। जैसे जैसे एवोल्यूशन होगा वैसे वैसे बुरे लोग और पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप कहोगे कहां से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो आएंगे बिकॉज क्यों होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करो। जब आदमी मरता है तो क्या होता है कि जितना हमने अभी तक देखा है, आप मेरे साथ जर्नी में हो, आपने समझने की कोशिश करी, हमने समझने की कोशिश करी कि आदमी की जो टेंडेंसीज हैं, जो हैबिट्स हैं, वो है, वो स्टे कर जाती हैं, और उन हैबिट्स एंड टेंडेंसीज का एक्सप्रेशन होता है, आदमी का एक्सप्रेशन नहीं होता। उस हैबिट्स एंड टेंडेंसीज का, उस डिजायर का एक्सप्रेशन होता है, कहीं ना कहीं, कहीं से भी हो सकता है वो आदमी कहीं से भी पैदा हो सकता है, जहां भी उसको उस एक्सप्रेशन के इक्वल में एक बॉडी मिल जाए, एक प्रपोर्शनेट बॉडी मिल जाए,
जो बॉडी उसके हिसाब से, उस एक्सप्रेशन के हिसाब से सिंक हो उस बॉडी में, वो आदमी वो एक्सप्रेशन जो है वो चला जाएगा और वो बॉडी फिर उसी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करेगी। बिकॉज अल्टीमेटली एक पूरे का पूरा आप समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिट है पूरी की पूरी, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरी की पूरी जो अलग अलग लोग हैं ये एक यूनिट है, सिंगल यूनिट। इट्स लाइक जस्ट वन, वो आपने देखा था ना अमीबा और प्रोटोजोआ, हम बचपन में पढ़ते हैं, इट्स लाइक दैट ओनली। सो जैसे जैसे वो अपडेट होता जाएगा वैसे वैसे बैगेज जो है वो और घना होता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और जब आप देखते हो कि ये हमने अपनी निजी जीवन में भी देखा है कि जब हम छोटे होते हैं हम हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमारे अंदर माइंड जो है बहुत क्लटर्ड हो जाता है और हमें सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगता है। एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप सिर्फ इंद्रियों में जीने लगते हो, आपको कि आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन से आपको कुछ क्षण भर के लिए प्लेजर मिलता है, वही आपके लिए बहुत है, नहीं तो आप मर जाओगे, सुसाइड कर लोगे। क्यों? 25-30 के बाद, 35-40 के बाद ये बैगेज बढ़ने लगता है। तो होता क्या है, जब आदमी जन्म लेता है तो शुरू में नेचर जानबूझ के 15-20-21-22-23-24 तक जानबूझ के उतना घनापन नहीं देता उस बैगेज का, लेकिन जैसे ही 26-27-28-29-30 क्रॉस होता है आदमी और ज्यादा वो हो जाता है, घना जो अंदर जो उसका कर्मा है वो घना हो जाता है। उसको कर्म बोलते हैं, उसको कह सकते हैं कि कार्मिक मेमोरी बोल सकते हो या सांशित कर्म बोल सकते हो उसको। ये जो प्रारब्ध कर्म है ये और घना हो जाता है, सांशित कर्म या प्रारब्ध, जो भी, लेट्स कॉल इट प्रारब्ध कर्म, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है, सांशित का एक भाग है प्रारब्ध। बट ये आप देख नहीं पाओगे बिकॉज इट्स लाइक बेसिक ही नहीं पूरा हो पा रहा है अभी, बिकॉज मैं ना बहुत आगे एडवांस बात करता हूँ। मेरे साथ चक्कर क्या है कि मैं जो मेरे साथ पीछे से सुनता हुआ लगातार चला आ रहा है वो तो समझ जाएगा, लेकिन जैसे नए लोग आते हैं ना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा और वो उनके पास एक ही चारा होगा, या तो डिसबिलीव करेंगे या बिलीव करेंगे। और बिलीव और डिसबिलीव से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आपको यकीनियत के लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे बैगेज हैवी होता जाता है, फिर आदमी मरता है तो वो बैगेज स्टे करता है, फिर उसी बैगेज में वापस चालू होता है, फिर उसी बैगेज में वापस चालू होता है। जब मैं पैदा हुआ अपने घर में आज से 30 साल पहले 1993 में मेरा जन्म हुआ, मैंने शुरू से एक चीज नोट करी कि मेरे अंदर कुछ एक फिक्स्ड माइंडसेट है जो कि इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा है मेरे घर वालों से। मेरे घर वाले बहुत अलग है मेरे से, मेरे पापा बहुत अलग है, मम्मी बहुत अलग है, मेरा भाई बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ एक्सीडेंटली पैदा हो गया हूँ। शुरू से मेरा ऐसा ही रहा है, बिना स्पिरिचुअलिटी के भी मुझे ऐसा लगता था जब मैं प्री स्पिरिचुअल स्टेज में था, प्री स्पिरिचुअलिटी एज में, प्री स्पिरिचुअल एज या प्री रियलाइज्ड स्टेज एज में था, तो उस वक्त भी मुझे ये लगता था कि मैं यहाँ पे I don't feel like home, बिकॉज मेरे एक फिक्स्ड माइंडसेट था मेरा। वो फिक्स्ड माइंडसेट जो आता है वो इसी वजह से आता है कि बहुत ज़्यादा बैगेज जो है वो हैवी है। अब उस बैगेज इतना हैवी है कि एक पर्सनैलिटी फिक्स हो गई है, और वो या कह सकते हैं एक मैच्योरिटी ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि मैंने उस बैगेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही एक्शंस लिए थे, जब भी कभी लिए होंगे। तो मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए ये लोग, कोई मेरे घर वाले कभी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए मेरे को कि ये करना है। बोलते थे पैसा ही सब कुछ है, काम करो, ये करो, वो करो। मैं शुरू से बोलता था कि मुझे नहीं लगता ये सब कुछ है, मुझे नहीं लगता कि ये अल्टीमेट नहीं होना चाहिए कि ये करो, वो करो, वो करो, ये करो। ऑल द मैं काफ़ी आभारी हूँ अपने मदर का, अपने फादर का, कि उन्होंने मेरी एक अच्छी मेरा बचपन जो है वो उसको ट्रॉमेटिक नहीं बनाया, बिकॉज मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो बहुत ट्रॉमा में गुजरे हैं। ट्रॉमा का मतलब हो गया चाइल्ड अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब चीज़ें मेरे घर में नहीं रही हैं, जिसकी वजह से एक जो मेरा चाइल्डहुड है वो इम्पैक्ट शायद नहीं हुआ था। लेकिन अगर इम्पैक्ट हुआ भी होता तो वो इस लेवल तक नहीं आता कि मैं मेरी पर्सनैलिटी शिफ्ट हो जाए।
सो इट वॉज राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इट वॉज फिक्स्ड कि मेरी पर्सनैलिटी यही रहेगी. बड़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी थी मेरी शुरू से, कि मुझे जो लगता था सही है कि वो सही है. उसमें आप चाहे कुछ भी किसी को भी ले आओ, एक छोटा बच्चा सोचो, 13 साल का 12 साल का बच्चा जिसको लग रहा है कि यही सही है. मुझे शुरू से लगता था, फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर बोलती रहती थी कि कुछ बड़े बन जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और यही यही है रास्ता, ये पैसा ही कमाना है और पैसा ही सब कुछ है, पैसा पैसा पूरे टाइम, पैसा पूरे टाइम, वही पद प्रतिष्ठा सम्मान समृद्धि. देखो वहाँ पे उनका न्यूज़पेपर में नाम आ गया, उनका टीवी पे निकल आया, उनका ये हो गया. इन सब चीज़ों का मेरे ऊपर कभी प्रभाव नहीं पड़ा. मुझे ऐसा लगता था कि ये नहीं, ये रास्ता सही नहीं है. मुझे शुरू से पता, मुझे ये नहीं पता था कि कौन सा रास्ता है. मुझे ये कभी नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही है, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि ये रास्ता सही नहीं है. फिर वहीं से एक अंदर से एक रास्ता आया, अंदर ही अंदर खोजना चालू किया, तो मुझे लगा कि अब एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं. या 15-16 साल की उम्र में जब मैंने पहली गर्लफ्रेंड बनाई, तो मुझे लगा कि अपने हिसाब से मैं रास्ते बनाता रहा कि मुझे लगता है ये सही है. तो दिस इज़ वाई जो मेरी टीचर थी, शी वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड आई वॉज 15 ईयर ओल्ड एट द टाइम, एंड शी फेल इन लव विद मी लिटरली. शी मतलब आई ऑफकोर्स आई लव्ड हर फर्स्ट, बट शी रिप्लाइड शी वॉज एट द सेम स्टेट बिकॉज शी वॉज 20 ईयर ओल्ड, आई 15 ओल्ड, एंड शी गॉट अट्रैक्टेड और समथिंग लाइक दैट. इट वॉज लाइक ही शी टोल्ड मी दैट यू आर रियली मच्योर, और मैंने बोला कि मुझे मच्योर लड़कियाँ ही पसंद है. मुझे शुरू से मच्योर लड़कियाँ पसंद थी. 14-15 साल की उम्र से ही मैं ऐसी लड़कियों से अट्रैक्ट नहीं होता था जिनकी बुद्धि कम हो. मुझे ऐसा लगता था कि कोई 25-26 साल की लड़की हो या 20 साल की लड़की हो, 22 साल की. मेरे घर में भी सब जानते थे कि ये तो भैया बड़ी लड़कियों को पसंद करता है, इसकी गर्लफ्रेंड्स देखो तुम, हमेशा 2-3-4 साल बड़ी होती हैं. काफ़ी कई मेरी गर्लफ्रेंड आई उसके बाद, जो मतलब नॉन सीरियस रिलेशनशिप रहे, जहाँ पे लड़कियाँ मेरे से 2-2-3-3 साल बड़ी थी और मैं हमेशा उनसे बात करता था. आज तो अब ऐसा मामला नहीं है. अब तो मैं खुद 28-29 मतलब 30 साल का हो गया हूँ, तो मुझे अब ऐसा नहीं है कि मुझे अब 40 की पसंद आ रही, क्योंकि अब उस पहली बात तो मैं उस पूरे गुच्छे से बाहर आ चुका हूँ. बट एक होता है ना कि आई वॉन्टेड टू बी विथ समबडी एट दैट एज. मे बी वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी मेरे माइंड में रही हो, इस वजह से मुझे वैसे ही लोग अट्रैक्ट करते हैं उस वक्त. तो हुआ क्या कि जब ये जो बैगेज है बेसिकली, ये इसमें स्टोरेज होता रहता है, और जैसे जैसे यूनिवर्स अपने आप को अपडेट करता जाता है, ये बैगेज में स्टोरेज जाता है और उस बैगेज एक्सप्रेस करता है अपने आप को बैगेज. उसके बाद फिर वो बैगेज होता है, फिर वो एक्सप्रेस करता है, फिर वो बैगेज होता है, फिर वो. इट इज़ लाइक अ वन बैगेज विच स्टार्ट्स बिकमिंग बिग. इट इज़ लाइक वन बबल. आपने बबल छोटा सा किया, फिर बबल बड़ा हो गया, और बड़ा बबल हो गया. तो एक टाइम आता है कि वो पृथ्वी के साइज का बबल हो जाता है ना, तो फिर वो एक्सप्रेशन लेता है. तो ऐसे में जैसे जैसे बैगेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे शैतानी बुद्धि बढ़ती जाती है. शैतानी बुद्धि वाले लोग पैदा होने लगते हैं क्योंकि बैगेज बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि आप रेस्टलेस मरे. आज की डेट में आपने अपने शरीर को, अपने प्राण त्यागे, आपके जो प्राण हैं जो आपने त्यागे, वो आपने रेस्टलेस त्यागे, तो आपको चालू भी वही रेस्टलेस से करना पड़ेगा. जो भी टेंडेंसीज हैं, जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, वो एक्सप्रेशन लेते हैं और उसी एक्सप्रेशन से चालू होता है. जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आप चालू करोगे दोबारा. तो अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो मरने के बाद वो टेंशन की स्टेट जो है वो वैसी रहती है, इनफैक्ट थोड़ी सी मल्टीप्लाई भी होती है बिकॉज सफरिंग होती है. फिर उसी टेंशन स्टेट से वापस चालू होता है मामला. तो जो भी टेंडेंसी, जो भी हैबिट आपकी पड़ी हुई है, वही हैबिट और टेंडेंसी से चालू होगा मामला, क्योंकि आप कोष मुक्त नहीं हुए. अभी सिर्फ आप शरीर मुक्त हुए हो, आपने कोष जो होती है वो अंदर की, उससे मुक्त नहीं हुए. तो इस ये एक लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे यूनिवर्स अपने आप को अपडेट करता है. और यूनिवर्स की इसमें गलती नहीं, एक्चुअली होता क्या है कि ये बैगेज पूरा का पूरा जो है अपडेट होता रहता है.
टाइम टू टाइम जैसे साल बढ़ते जाते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जब ये बैगेज बहुत घना हो जाता है। अब जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी, तो इसी वजह से आदमी जब दोबारा पैदा होगा 1000 साल बाद तो वो बहुत रेस्टलेस पैदा होगा। ऑटोमेटिकली वो उसकी मैच्योरिटी जल्दी होगी, जैसे अभी आप देखेंगे मैच्योरिटी जो है वो 10 साल में होने लगी है, शारीरिक और मानसिक दोनों। स्मार्ट बच्चे पैदा होते हैं, बिकॉज स्मार्ट क्यों हो रहे हैं? अब कुछ सोचो ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्मार्ट कैसे होता है? दिमाग लगाओ, जब वो 100 वर्जन क्रॉस कर लेता है, 101, 102 टाइम्स अपडेट कर लेता है अपने आप को, तब जाके एक वर्जन आता है जो काफी स्मार्ट होता है। जैसे चैट जीपीटी अपने आप को अपडेट कर रहा है, तो अभी चैट जीपीटी 4.0 है, पर 40.0 आएगा अगर, तो 40.0 4.0 के सामने बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। वैसे ही यूनिवर्स भी अपने आप को अपडेट करता है। और ये मत सोचो कि सिर्फ शारीरिक विकसित होता है यूनिवर्स, कि शारीरिक कि भैया अच्छा बाल चले गए, 32 दांत थे, 28 दांत होने लगे, क्या आप ये सोच रहे हो? ऐसा नहीं होता है। जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है वो भी दिखता नहीं है, सटल है, लेकिन वो भी अपडेट हो रहा है। तो जैसे जैसे अपडेट हो जाता है घनघोर डेटा आता जाए, लेकिन ह्यूमन माइंड जो है ले नहीं पाता इतना डेटा, और इस वजह से जो शैतानी क्रियाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। अब वो बढ़ेंगी तो जैसे ही कोई शैतान जो है 50% हो जाएगा, मतलब मान लीजिए इस दुनिया में अगर 1000 करोड़ लोग हो गए, उन 1000 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ अगर शैतान हो गए, मतलब बुरे हो गए, तो आपको क्या लगता है कि बाकी के 500 जीत जाएंगे उनसे? बिल्कुल नहीं जीतेंगे। कभी भी सच्चाई की जीत नहीं होती है, हमेशा बुराई की जीत होती है। ये एकदम विपरीत बात बोल रहा हूं आपसे। अल्टीमेटली जीतती आखिरी में जीतता अंधकार है। महादेव जीतेगा आखिरी में, काला कलर जीतेगा आखिरी में। चालू भी काले से हुआ है और बीच में सफेदी आई, और ये अभी पट से आपका काला आएगा वापस, काले की तरफ ही जा रहे हैं। और जैसे ही धरती खत्म होगी पूरे प्लेनेट की धज्जियां उड़ेंगी, तो बचेगा क्या? काला स्पेस, काल बचेगा, काल। आपको समझना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं एक बहुत ही गहरे कॉन्टेक्स्ट से बोलने की कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सके समझा रहा हूं, बाकी आपको भी समझना है, इसमें खुद दिमाग लगाना है अपना। मनुष्य के अंदर बुराइयां अच्छाइयां दोनों बराबर होती हैं? नहीं, जब वो पैदा होता है तब नहीं होती। यूनिवर्स की बिगिनिंग में, यानी जब शुरू में, जब आज से 5000-6000 साल पहले नहीं होता था ऐसा। कुछ ऐसे लोग होते थे, रावण हो गए, आपके ये 5 कौरव हो गए, एक कुछ लोग ऐसे होते थे जो दुष्ट थे, लेकिन दुष्टता इतनी नहीं थी, लेकिन दुष्टता बढ़ती जाती है। आप देखो ना, पिछले 5000 साल को देखो कैसे दुष्टता बढ़ रही है भाई। 1000 साल पहले खिलजी आ गया, आप देखो कैसे दुष्टता बढ़ रही है। आप खुद देखो ना, आप कुछ आगे मत देखो, आप मेरी बातों पर बिलीव मत करो, आप पिछली हिस्ट्री उठा के देखो, आप जो एवोल्यूशन की हिस्ट्री हुई है वो उठा के देखो, और साइकोलॉजिकल माइंड देखो कैसे आगे ग्रो हो रहा है, साइकोलॉजिकल माइंड में कैसे दुष्टता आ रही है, आप वो देखो ना। आपको क्या लगता है ये इतने साधु संत महात्मा आए, इन्होंने कुछ उखाड़ा? कुछ नहीं उखाड़ा। हमारे जैसे लोग, कुछ ऐसे लोग जो हैं वो तो फायदा उठा लेते हैं, लेकिन आगे चल के हमारे जैसे लोग नहीं उठा पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी गाजा और इसराइल का युद्ध चल रहा है, उसमें सारे के सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, सारे जितने भी मासूम लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं, और जो लीडर्स हैं, जो सैनिक है, जो आर्मी है, वो बची हुई है। ऑल्दो आर्मी वाले भी मारे जाएंगे, लेकिन अभी उतना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कौन झेल रहा है? अच्छा आदमी झेल रहा है। आप क्यों नहीं सुनते हो इसको? आप क्यों नहीं समझते हो? महाभारत का युद्ध में बहुत लोग मरे। कितने लोग मरे? इतने लोग जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारे उसमें से मासूम लोग थे, मासूम लोग मरे। आप अगर देखें, किसी भी एक वॉर को आप उठा के देखें, तो आखिरी में जीतती अच्छाई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे बुराई की जीत हुई है। क्यों? आपने पूरे देश को मार के उस देश को लूट भी लिया, तो उसको इतिहास में तो लिख दिया जाएगा कि हाँ इसराइल जीत गया या गाजा जीत गया, लेकिन आपने कितने लोगों को मार दिया वो आपने नहीं देखा? कितने बच्चे से हाथ पैर कटे पड़े हुए हैं,
कितनी बिल्डिंगें आपने नीचे गिरा दी, आपने वो नहीं देखा? क्या ये जीत है? क्या ये जीत है? ये एक हार है। जब 1947 में ये देश आजाद हुआ था तो वहां पे जीत हुई थी और वहां पे हार भी हुई थी। हमने कितने मासूम लोगों की जो जाने हैं वो गवा दी। आप समझने की कोशिश करो। एक्चुअली में इंसानी माइंड से अगर आप देखेंगे, इंसानी नजर से आप देखेंगे, मनुष्य की नजर से देखेंगे, तो वो एक जीत है, वो एक विजय है। वो विजय नहीं है, वो पराजय है। जीत सिर्फ ब्रह्मांड रहा है। ब्रह्मांड के अलावा इस दुनिया में किसी की नहीं चलती। चलेगी तो भगवान की चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। भगवान ने जो यही बोलते जो लिख दिया होता, इसी किस कंटेक्स्ट में बोला गया, क्या लिख दिया है? बुराई की जीत होगी, आखिरी में जीतेगी बुराई, और वो बुराई जीत के अपने आप को भी मार डालेगी और इस प्लैनेट को भी खत्म कर देगी। आप देख लेना ये चीज। आप क्या देखोगे? आपको दिखना अभी दिख जाएगा, आपको आगे जाके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को स्कैन करके देखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लोगों का खून खराब हो गया इस देश में और कितने लोग मरे, आपको समझना पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस दुनिया में जो लोग सपने लेके आते हैं ना, आज से 100 साल बाद ये होगा, आज से 20 साल बाद ये होगा, वो जो ड्रीम आप लेके चल रहे हो, आज से 10 साल बाद ये होगा, अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं इतने सेशंस कर रहा हूँ, मैं इतने फ्री सेशंस कर रहा हूँ, मैं मोटिवेशन सेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला सर, मैं बता रहा हूँ। कुछ लोगों का होगा, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर हम 100 लोगों को आजाद कर देंगे तो 100 हजार को कर देंगे, 1000 10 हजार को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे सदगुरु बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू टच ऑल द मिलियन लाइव्स वी हैव ऑन द प्लैनेट, ऑल द 700 मिलियन पीपल वी हैव ऑन द प्लैनेट, आई वॉन्ट टू टच देम, आई वॉन्ट टू, यू कैन नॉट टच इट, यू कैन जस्ट टच सम सेगमेंट पीपल, सम सेगमेंट लाइक वन सिंपल और वन टारगेटेड सेगमेंट, मे बी इट इज 1000-2000 पीपल, बट यू एक्सपेक्ट कि वो 1000 लोगों को मैं चेंज करूंगा तो उससे 10000 लोग चेंज होंगे, फिर 10000 से 1 लाख हो जाएगा और आखिरी में अच्छाई होगी। भैया सतयुग पे नहीं खत्म होगी ये धरती, ये धरती खत्म होगी कलयुग पे, घोर कलयुग पे। और ये घोर कलयुग मैं महाभारत से उठा के नहीं बोल रहा हूं, मैं ये घोर कलयुग उठा के बोल रहा हूं, देख के बोल रहा हूं आपको। अंधकार था, प्रकाश आया, अंधकार जीतेगा। इसीलिए तंत्र इतना स्ट्रांग है। अब मैं तंत्र की बातें नहीं करता इतनी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिस्टिकल लगेगा, बट आप देखोगे ना, काला जो है, काला भी अगर आप देख, काल सिर्फ इतना अगर आप समझ लो, काल 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 काल, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। लेकिन अब इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्राई नहीं करें किसी को चेंज करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास ना करें किसी के अंदर बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। हम निरंतर अपने आप को लड़ाते रहेंगे इस बुराई से। जीतेगी बुराई है हम जानते हैं, लेकिन हम पोस्टपोन तो कर सकते हैं ना। जो चीज भैया 10000 साल बाद आने वाली है, आप उसको 100 साल बाद ले आओगे, है ना? तो बस हम इतना कर सकते हैं, हम टाल सकते हैं, पर हम अवॉइड नहीं कर सकते परमानेंटली। ये बात है, एक ये पॉइंट यहां समझ जाना। तो जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, कई लोग मेरे को सुनते हैं और कभी आप लोगों ने कभी मतलब फीडबैक दिया नहीं, वैसे तो मेरे पास आते रहते हैं आप लोग के ईमेल्स, लेकिन पिछले 1 साल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका कुछ माइंड में चेंजेस आए होंगे। मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो बदलाव है, आया ही होगा, क्योंकि मेरी जो अप्रोच है वो भी थोड़ी सी अलग रही है बाकी लोगों के कंपेयर में, और जानबूझ के मैं इसको अलग रखता हूँ, बिकॉज कई लोग नहीं समझ पाते हैं दूसरे लोगों को, तो वो यहाँ आके समझ सकते हैं, और यहाँ अगर नहीं समझ पाए तो कल को कोई और आएगा उसे समझ सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, सिंपल है कि प्रयास तो हम करते रहेंगे, प्रयास में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, वी हैव टू ट्राई, लेकिन हमें पैटर्न भी रीड करना है यूनिवर्स का। हमारा जो टारगेट है वो है यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स से इंस्पिरेशन लेना, और
एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा कि मनुष्य के पास एक ऐसा स्टीयरिंग व्हील है, एक ऐसा कंट्रोल दे रखा है जो यूनिवर्स के खिलाफ जा सकता है। ऑल्दो वो लॉन्ग टर्म में तो काम नहीं करेगा, बट शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा काम कर सकता है। वो स्टीयरिंग व्हील कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आपका मन आपके ऊपर हावी हो रहा है, तो आप मेडिटेशन साधना करके आप उस मन को शांत कर सकते हो और अपने अंदर से वो शैतान जो है वो खत्म कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। जानवर ऐसा नहीं कर सकते, ऑल्दो जानवर तो खुद ही पीसफुल है, बट कुछ लोग जानते ही नहीं है वो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। लेकिन इस दुनिया ने इतनी भी निर्दयी नहीं है, ये ब्रह्मांड इतना भी निर्दयी नहीं है। ब्रह्मांड में शैतानी ताकतें भी 50% हैं और भगवानी ताकतें भी 50% हैं। तो आपको अगर आपने भगवानी ताकत यूज नहीं करी तो ऑटोमेटिकली आपको कैटेगराइज कर दिया जाएगा शैतानी ताकत में। यहाँ पे कोई तीसरी स्टेज नहीं है कि आपको वहां रखा जाएगा। लोग सोचते हैं अगर हम कुछ नहीं चूज करेंगे तो हम बाहर हैं, आप बाहर नहीं हो, आप शैतानी एरिया में हो, आप एक काले वाले में हो, तो काले वाले सेगमेंट में आ गए हो। ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि अगर आप ना ध्यान करोगे, इंद्रियों में जीते रहोगे, लालच आ जाएगा आपके अंदर, वो बैगेज भारी होगा, वो बैगेज भारी होगा तो आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो आप किसी के साथ उल्टा सीधा करोगे, अकेले रहोगे, कोई आपसे बात नहीं करेगा। और देखो इस दुनिया की आपको मैं फितरत बता दूं ना, इस दुनिया में जो लेता है ना उसको दुनिया सबसे पहले खत्म करती है, जो देता है उसके पास दुनिया आती है। आप मेरे पास सुनते हो मेरी बातें क्योंकि आपको कुछ मिलता है इन बातों से। हो सकता है कि वो ज्ञान हो किसी के लिए, किसी के लिए वो एक पीस हो, किसी के लिए कुछ एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो ज़िंदगी की, क्योंकि कई लोगों को समझना होता है अपने ब्रेन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में कोई न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं हूँ, बट ब्रेन के बारे में या माइंड के बारे में या मैं कौन हूँ ये सब, तो कहीं ना कहीं मैं एक प्रोवाइडर हूँ, एक प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, तो मेरी वजह से मेरे पास लोग इकट्ठा रहते हैं। पर आज मैं इन्हीं लोगों पर अगर मैं निर्भर हो जाऊँ ना, आज मैं आपके घर में आके बोलूँ कि मुझे खाना खिलाओ या मुझे रखो अपने घर में, तो आप नहीं रखोगे, आप बोल दोगे नहीं नहीं सर आपके साथ तो हम, वो मुझे पता है नहीं होने वाला, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको जो जो रख पाए मेरे को, है ना। नहीं ऑब्वियसली जब मेरा ये बढ़ेगा, मान लो अगर मेरी ऑडियंस 1-1.5 लाख पहुंच जाती है, 2 लाख पहुंच जाती है, तो ऑब्वियसली उसमें से 10 लोग तो होंगे जो मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए रेडी और अपने घर में रखने के लिए रेडी, क्योंकि परीटो प्रिंसिपल काम करता है हर चीज़ में। आपको ये समझना पड़ेगा, जब ये आप बढ़ाते हो ना, वॉल्यूम बढ़ाते हो आप ट्रैफिक का, तो ऑटोमेटिकली कुछ लोग ऐसे आपके पास मिल जाते हैं जो नगीने होते हैं, वो बड़े खतरनाक होते हैं। दिस इज वेरी नाइस थिंग अबाउट पेरिटो प्रिंसिपल एंड दिस प्लैनेट एंड मार्केटिंग ऑल्सो एंड स्पिरिचुअलिटी। सो इस दुनिया में अपनी सोच को वहां पे गड़ा के रखना है जहां पे सत्य की बातें हो रही हो, सत्य की तरफ इशारे हो रहे हो, सत्य सिर्फ अपने खुद के अस्तित्व का नहीं, सत्य अपने स्वयं के अस्तित्व का नहीं होना चाहिए सिर्फ, सत्य हर उस चीज का जो सोसाइटी कह रही है, सत्य हर उस विचार का जो आपके अंदर चल रहे हैं, सत्य हर उस कथा का, हर उस मान्यता का जो किताबों में लिखी गई, जो कोई मनुष्य सामने से बात कर रहा है उसका सत्य, जो सोसाइटी बात करती है उसका सत्य, हर मान्यता का एक सत्य होता है। हर चीज में आपको सत्य निकालना आना चाहिए। अगर आप सत्य निकाल पाते हो हर चीज में, सामने दुनिया का सत्य और मेरा सत्य, बस यही दो सत्य हैं, ये दो सत्य आप निकालना चालू कर दो, आपको समझ में आएगा कि क्या चक्कर चल रहा है सारा का सारा, और आप बाहर हो और आपको मोक्ष प्राप्त है, और वो जो मोक्ष है वो शरीर में रहते हुए प्राप्त होगी आपको, ऐसा नहीं आपको शरीर त्यागना है, वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। बस कुछ चैलेंजेस आएंगे, जैसे फाइनेंशियल कुछ चैलेंजेस हैं, ये सब चैलेंजेस हैं। कई लोग तो नौकरी वोकरी कर रहे हैं तो अपना उनका बढ़िया है, बट साइकोलॉजिकल और फिजिकल में जो फाइनेंस है इसको स्ट्रांग करने के बाद आप 110% मोक्ष में
जीना चालू कर दोगे। और जब मोक्ष में आप जीना चालू कर दोगे तब आपके पास एक स्टेज आएगी जहां पे आप कहोगे आप क्या करें, तब फिर आप वापस किसी सत्य की खोज की तरफ निकल सकते हो। तो निरंतर कोई ना कोई सत्य की खोज हमेशा होती रहती है, मेरे अंदर भी होती रहती है। जैसे लॉ ऑफ डुअलिटी को मैं अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ, सेंटर पॉइंट है हर चीज का, उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन है, लॉ ऑफ चेंज है, बदलाव है। इस दुनिया में हर जगह आप देखो बदलाव कभी रुकता नहीं है, बदलाव होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। आप सुबह उठोगे दुनिया बदल चुकी है, आपके शरीर में बदलाव होता रहता है। आप जब सो रहे हो तो आपके शरीर में जो सेल्स है वो मर रहे हैं, नए सेल्स आ रहे हैं, बदलाव हो रहा है। बाहर पेड़ों में बदलाव हो रहा है, आपको लगता है सब कुछ स्थिर है, अरे सामने वही पेड़ है, वो पेड़ नहीं है, कुछ और है, वो कल कुछ और था आज कुछ और है, उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका तब से, कितने उसके सेल्स मर चुके हैं, नए सेल्स आ चुके हैं। ये प्लैनेट जो है वो उस जगह पे नहीं है, ये प्लैनेट 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जा रहा है, तो हम वहाँ पे हैं ही नहीं, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अभी बात करते करते इस पॉडकास्ट में हम जिस जगह से चालू हुए थे वो जगह 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम 17,000 किलोमीटर एक घंटा होने वाला है, तो हम 17,000 किलोमीटर आगे आ चुके हैं उस जगह से जहां से मैंने पॉडकास्ट चालू किया था। आप सोचिए, मतलब वो जगह अगर हम पिन पॉइंट कर देना मैप से और पॉडकास्ट वहां से मैंने चालू किया है, तो वहां से और अभी जहां पे मैं हूं मेरा उसका डिस्टेंस 17,000 किलोमीटर है। 17,000 किलोमीटर, इतनी तेज पृथ्वी घूम रही है, जो हमारा गैलेक्सी है, आकाशगंगा का जो हमारा केंद्र है, सेजिटेरियस ए ब्लैक होल है, वहां पे उस ब्लैक होल के अराउंड परिक्रमा लगा रही है हमारी गंगा, आकाशगंगा। उस परिक्रमा, उस ऑर्बिटिंग को, एक ऑर्बिट को होने में 2.5 मिलियन ईयर्स लगते हैं। एक ऑर्बिट, जब लास्ट टाइम एक ऑर्बिट कंप्लीट हुआ था तो डायनासोर्स का एरा स्टार्ट हुआ था, मतलब डायनासोर्स का एरा स्टार्ट हुआ था तब वो पहला राउंड कंप्लीट हो चुका था। अब दोबारा राउंड जब कंप्लीट होगा तो ऐसा माना जाता है ह्यूमैनिटी का एंड हो जाएगा, कलयुग जो है उसका समाप्ति होगी वहां पे। तो तब और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बिलियन ईयर्स और बचे हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि 2.5 बिलियन ईयर्स में ही अगर हम देखें तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। और अगर जिस हिसाब से जल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, मुझे तो ये भी लगता है कि अगले 1000 साल में भी या 500 साल में भी कुछ नहीं किया गया तो इस प्लैनेट का विनाश हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 10,000 साल तक चलना ही। तो बस यही कहना चाहूँगा कि अपने आप को किसी से कम मत समझो, किसी से ये दुनिया आपको, आप मुझे पता आपके माँ बाप, आपके दोस्त आपको हमेशा बताते रहेंगे, हमेशा ये आपको सुबह, अब जैसे आप पॉडकास्ट खत्म करोगे बाहर दुनिया में इंटरेक्ट करोगे जाके, तुरंत इमीडिएटली आपको बोला जाएगा आपने कुछ नहीं उखाड़ जिंदगी में, और अगर आपने उखाड़ भी लिया है तो देखिए आपसे भी उखाड़ने वाले बड़े बड़े हुए हैं, तो आपको कंपेयर किया जाता है, आपको हमेशा छोटा दिखाया जाता है कि देखो वो एक करोड़पति है, फोर्ब्स लिस्ट में आता है उसका नाम, टॉप 30 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो असत्य है वो सब। मैंने क्या बोला, सत्य पता लगाओ, वो सब असत्य है, वास्तविकता में उसका कोई संबंध नहीं है वास्तविकता से, मतलब दे आर ऑल लिविंग इन इमेजिनेटिव रियलिटी, कल्पना सत्य में जी रहे हैं सब, दिस इज ऑल अ होक्स, इट्स ऑल अ लाई, इट्स बंच ऑफ बुलशिट दे आर लिविंग इन, दीज पीपल, दीज 699 करोड़ पीपल, आई एम टेलिंग यू, यू माइट नॉट बिलीव मी बट इट्स ओके। थैंक यू, टेक केयर, बाय।